नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूँ पारुल त्यागी और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम रिपोर्टर लाइव। इस कार्यक्रम के माध्यम से तमाम जगह के रिपोर्टर्स को हम जोड़ते हैं, सीधे संवाद उनसे करते हैं ताकि क्या देश दुनिया में चल रहा है, उनके क्षेत्र में क्या कुछ चल रहा है, क्या बड़ी खबर है, किस तरह की हलचल है, ये जानने की कोशिश यहाँ पर करते हैं। तो आज भी हर रोज़ाना की तरह दो जगह से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे, कानपुर और उन्नाव से। कानपुर के क्या हालात हैं, क्या वहाँ पर हलचल है, वो जानने की यहाँ पर हम कोशिश करेंगे। साथ ही उन्नाव में भी क्या बदलाव हो रहा है, चुनावी माहौल है, किस तरह की जनता की राय है और क्या हलचल वहाँ पर भी उन्नाव में है, ये भी यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। तो साथ ही आपको यह भी बता दें कि कोरोना को लेकर किस तरह की गाइडलाइंस जारी की गई हैं, प्रशासन कितना मुस्तैद है, कोरोना को लेकर कितना अलर्ट है, साथ ही जनता में कितनी जागरूकता है कोरोना को लेकर, यह भी यहां पर हम जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही आपको यह भी बता दें, अगर कानपुर की बात करें तो कानपुर पिछले काफी समय से बहुत सुर्खियों में रहा है और आजकल भी कानपुर को लेकर चर्चा काफी ज्यादा हो रही है। वो इसलिए क्योंकि इत्र कारोबारी के घर पर पिछले कई दिनों से जो छापेमारी हुई उसको लेकर कानपुर बहुत ज़्यादा इस समय सुर्खियों में है। और अगर उससे पहले की बात कर ली जाए तो अपराध के मामलों में भी कानपुर नंबर वन पर रहा है। काफ़ी ज़्यादा मामले कानपुर से सामने आते हैं, चाहे वो फिर बात कर ली जाए बिकरू कांड की पिछले साल की या फिर कोई और कांड की। तो तमाम कांड ऐसे हैं जो कानपुर से ही सामने आए हैं पिछले एक से दो साल में। साथ ही आपको ये भी बता दें कि कानपुर की पुलिस भी अक्सर सवालों के घेरे में खड़ी हुई नजर आती है, क्योंकि तमाम जो केस सामने आते हैं, तमाम आपराधिक घटनाएं जो सामने आती हैं उसमें कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े होते हैं। साथ ही उन्नाव की बात भी यहां पर हम करेंगे कि उन्नाव में किस तरह का माहौल है, कोरोना को लेकर कितनी सतर्कता है, कितनी जागरूकता लोगों में है, कितनी गाइडलाइंस लोग पालन कर रहे हैं उनका, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। और तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे कि किस तरह से हलचल काफ़ी ज़्यादा देखी जा सकती है, क्योंकि देखिए अब ठंड का मौसम है तो ऐसे में ठंड भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और किस तरह से प्रशासन ठंड को लेकर काम कर रहा है, कितना प्रशासन अलर्ट है ठंड को लेकर, लोगों की किस तरह से मदद की जा रही है, रैन बसेरे कितने तैयार हैं, अलाव की व्यवस्था दी भी जा रही है लोगों को या नहीं दी जा रही, यही तमाम जानकारी आज जुटाने की कोशिश यहाँ पर हम करेंगे। साथ ही आपको बता दें कि कानपुर से विकास चौहान यहां पर हमारे साथ जुड़ेंगे और उन्नाव से योगेंद्र सिंह भी हमारे साथ जुड़ेंगे। योगेंद्र, मेरी आवाज मिल रही है क्या आपको? योगेंद्र, अगर उन्नाव की बात की जाए, आज उन्नाव में क्या बड़ी खबर है और किस तरह की हलचल आज उन्नाव में है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि विश्वास जन विश्वास यात्रा का शुभारंभ नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था, उसके बाद से आज अद्वैत उन्नाव तकरीबन 2:30 बजे के लगभग उन्नाव में बागन करेगी, जिसका स्वागत सीएम केशव प्रसाद मौर्य करेंगे। योगेंद्र आपकी ऑडियो में शायद कुछ परेशानी है, दोबारा से कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, दोबारा से संपर्क आपसे करेंगे, दोबारा से आपका रुख करूंगी मैं। तो ऐसे में उन्नाव में आज क्या कुछ होने जा रहा है, क्या बड़ी खबर है, ये जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही कानपुर में क्या हो रहा है इस समय, वो भी यहाँ पर जानने की हम कोशिश करेंगे। इसी तरह हर रोज़ाना एक कार्यक्रम होगा जहाँ पर तमाम जगह से रिपोर्टर्स को सीधे जोड़ेंगे, उनसे सीधे संवाद करेंगे। साथ ही आपको बता दें कि वहाँ पर किस तरह की हलचल होगी और क्या बड़ी खबर के क्षेत्र की होगी, ये आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे ताकि सीधी तस्वीर एक आपको हम दिखा सकें कि किस क्षेत्र में क्या हो रहा है। इसीलिए तमाम जगह से संवाददाताओं को हम जोड़ते हैं और आज भी कानपुर और उन्नाव में क्या कुछ हो रहा है, ये यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। और अब से कुछ ही देर बाद कानपुर से भी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे और उन्नाव से भी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे, जो अपने अपने इलाकों का, अपने अपने क्षेत्र का हाल बताएंगे, साथ ही कोरोना को लेकर क्या स्थिति है ये भी बताएंगे, विधायकों को लेकर क्या स्थिति है, सांसदों को लेकर क्या स्थिति है, कि चुनाव से पहले कितना काम किया गया है, जनता का क्या मूड है, इन सभी तमाम बातों की यहाँ पर जानने की हम कोशिश करेंगे। क्योंकि
माहौल चुनावी है, कोरोना का भी साया है, साथ ही बढ़ती ठंड भी है, तो तमाम मुद्दे ऐसे हैं जिन पर बात करना बेहद जरूरी हो जाता है। तो चलिए ठीक है, दोनों हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विकास चौहान कानपुर से और उन्नाव से योगेंद्र सिंह। विकास, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी, कानपुर की बात की जाए तो आज कानपुर में क्या बड़ी खबर है, सबसे पहले तो ये बताइए आप। जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कानपुर में इस समय चुनावी सरगर्मी इतनी तेज हो चुकी है, सभी पार्टियां अपना पूरा जोर लगा रही हैं, पूरा दम लगा रही हैं। और भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी जो है लगातार जो है रैलियों में रैली कर रही है, समाजवादी पार्टी भी जो है लगातार अपने वोटरों को लुभाने के प्रयास कर रही है। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस भी लड़कियों का नारा लेकर के आगे बढ़ रही है, लड़की है तो लड़ेगी, और इस तरीके से कानपुर में पूरी तरीके से चुनावी माहौल बना हुआ है। लेकिन अगर बात की जाए चुनावी माहौल को लेकर के, साथ में ही ओमिक्रोन का बढ़ता हुआ खतरा भी कानपुर में दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से यहाँ पे चुनावी जनसभाएं हो रही हैं, भीड़ इकट्ठा हो रही है, स्वाभाविक सी बात है जहाँ पे भीड़ इकट्ठा होगी कोरोना ओमिक्रोन का खतरा बढ़ता नजर आएगा जी। इसी तरह से सरकार लगातार प्रयास कर रही है जनता को लुभाने की, फ्री राशन वितरण करने की, राशन प्रणाली को आगे बढ़ाने की, जिस तरीके से सरकार राशन दे करके लोगों को लुभाना चाह रही है, और हर पार्टी किसी ना किसी तरीके से अपने वोटरों को, जनता को लुभाने का प्रयास कर रही है। कानपुर में अगर बात की जाए तो कानपुर में लोग जन समस्याओं को लेकर के सारे पार्टी के लोग पूरी तरीके से जनता के बीच में पहुंचना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, लेकिन जी सिर्फ और सिर्फ चुनाव के टाइम पे ही नजर आती हैं। धरातल पे अगर देखी जाए तो धरातल पे ये सारी चीजें बिल्कुल जीरो पे दिखाई देती हैं। जी चलिए ठीक है विकास। योगेंद्र, आप बताइए, उन्नाव में आप पहले भी बता रहे थे कुछ आवाज की समस्या हो गई थी, लेकिन अब बताइए उन्नाव में आज क्या बड़ी हलचल है। जी बिल्कुल, आज तो आपको बता दूं कि आज जनपद उन्नाव में एक बड़ी जन विश्वास यात्रा का जनसभा है, जिसका आज उन्नाव में जनसभा में पहुंचेंगे। जी ठीक है योगेंद्र, आपकी ऑडियो कुछ क्लियर नहीं आ पा रही है, दोबारा से आपका रुख करूंगी। विकास, देखिए कानपुर के आपने ये तो बता दिया कि चुनावी सरगर्मियां बहुत तेज हैं, एक के बाद एक तमाम पार्टी के नेता वहां पर पहुंच रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, लेकिन अगर इन सबसे हट के बात की जाए तो और भी कई सारे मुद्दे हैं जो इस समय कानपुर में चल रहे हैं, कि जिस तरह से पिछले कई दिनों से पीयूष जैन के घर पर छापेमारी की जा रही है उसको लेकर भी काफी सुर्खियां बनी थी, कई दिन से खबरें लगातार सामने आ रही थी, आज उस खबर पर क्या कुछ अपडेट है? जी आपको बता दें कि जैसा कि पीयूष जैन के घर पे छापेमारी की जो खबर सामने आई थी, काफी पैसा भी बरामद किया गया था और उनके कन्नौज वाले आवास पे भी काफी पैसा जमा किया था। इसके साथ में ही अगर देखा जाए तो जीएसटी की टीम पूरी तरीके से, आईटी की टीम पूरी तरीके से, जितने भी ये बड़े पूंजीपति के लोग हैं इनके ऊपर अपना प्रेशर बनाने की कोशिश कर रही है, कहीं ना कहीं जांच कर रही है। इसी प्रकार से कल अगर देखा जाए तो कल भी एक छापेमारी हुई थी, मयूर वनस्पति जो रिफाइंड आता है उनके घर पे भी छापेमारी की गई थी, उनके घर से भी कुछ दस्तावेज बरामद किए गए थे जिसमें थोड़ा उसमें भी घोटाला सामने आया। दस्तावेज हालांकि उनके जब्त कर लिए गए हैं, जांच हो रही है और जांच करके फिलहाल तो अभी टीम जा चुकी है कानपुर से। लेकिन अगर देखा जाए तो ये सारी चीजें सिर्फ चुनाव के नजदीक आने पे ही चालू की गई हैं। ये चीजें पहले भी की जा सकती थी, पहले भी शिकंजा कसा जा सकता था, पहले भी कर चोरी रोकी जा सकती थी, लेकिन ये सब की सब चीजें जो है सिर्फ चुनाव नजदीक आते ही चालू हो गई। क्या सरकार पहले नहीं देख रही थी कि कर चोरी हो रही थी? ये सिर्फ और सिर्फ इसको कहीं ना कहीं से शायद जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है
चुनावी मुद्दा बनाने का प्रयास किया जा रहा है। जी बिल्कुल विकास, और देखिए पीयूष जैन की यहाँ पर बात हो गई, इसके अलावा भी कानपुर की बात की जाए तो पिछले एक से दो साल से कानपुर काफी सुर्खियों में है बिकरू कांड को लेकर, और तमाम कांड ऐसे हैं जो कानपुर में हुए थे और जिसमें पुलिस गिरती नजर आई थी, तो यानी कि अपराध के मामले में भी कानपुर हमेशा से ही नंबर वन रहा है। अगर अब की स्थिति की बात की जाए तो आपराधिक घटनाओं में कानपुर में किस तरह का ग्राफ देखा जा सकता है? जी अगर बात करें आपराधिक स्थिति की तो बिकरू कांड सबसे बड़ा कांड हुआ था, पूरे नेशनल लेवल में इसकी चर्चा हुई थी। और अगर बात करें आपराधिक इतिहास की, आपराधिक यहाँ पे जो चल रहा है आपराधिक, लेकिन जब से कमिश्नरेट चालू हुआ है, हम आपको बता दें जब से कमिश्नरेट चालू हुआ है उसके बाद जी 20% 30% कहीं ना कहीं 20% 30% थोड़ा सुधार हुआ है, लेकिन जहाँ अपराध अगर कम हो रहा है, अपराध अगर कम हो रहा है तो वहीं छेड़छाड़ के मामले बढ़ रहे हैं, वहीं चैन स्नेचिंग के मामले बढ़ रहे हैं, मोबाइल के मामले बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए कि अगर कहीं सीधे तौर पे हम ये कह सकते हैं कि कहीं गोली नहीं चल रही है तो झगड़ा तो जरूर हो रहा है जी। तो सुधार भी हो रहा है और उस पर जो है पुलिस पूरी तरीके से शिकंजा भी कसना चाह रही है। जी ठीक है विकास। योगेंद्र आप बताइए, उन्नाव में कोरोना और ओमिक्रॉन को लेकर अभी कैसी स्थिति है, किस तरह की गाइडलाइंस है, लोग कितना जागरूक दिख रहे हैं उन्नाव में? चलिए ठीक है योगेंद्र, आपसे दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, आपके ऑडियो में कुछ समस्या आ रही है। विकास आप बताइए, कानपुर में देखिए अगर अब चुनाव आ रहे हैं नज़दीक, बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं, आपराधिक घटनाएं तो बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि गोली नहीं चल रही तो छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन अगर यहां पर महिला सुरक्षा की बात की जाए तो महिला कितनी सुरक्षित हैं कानपुर में? विकास मेरी आवाज मिल रही है क्या? जी अगर बात करते हैं महिला सुरक्षा की तो महिला सुरक्षा भी कहीं ना कहीं से जो कांग्रेस ने एक अपना एजेंडा लाया था, लड़की है तो लड़ेगी, लेकिन इसको कहीं ना कहीं से सुरक्षित नहीं महसूस किया जा सकता है। कहीं ना कहीं रोज ना कहीं ना लड़कियों के साथ छेड़छाड़ हो रही है, कोई अपने ससुराल में प्रताड़ित की जा रही है तो उसकी सुनवाई नहीं हो रही है। इस प्रकार से लगातार अगर देखा जाए, कानपुर की अगर बात करते हैं तो कानपुर में किसी प्रकार से लड़कियां भी पूरी तरीके से सुरक्षित नहीं महसूस करती हैं। रात में आज भी अगर रात में लड़की घर से निकलती है तो उसके घर वाले ये कहते हैं कि किसी के साथ जाओ, फ्रीडम नहीं मिल पाता है उसको, अकेले जाना, अकेले उसके घर वाले नहीं भेजना चाहते क्योंकि उनको कहीं ना कहीं इस बात का डर रहता है कि लड़की हमारी अगर रात में निकलती है तो उसके साथ कुछ गलत हो सकता है, छेड़छाड़ हो सकती है। अगर इस पे अगर देखा जाए तो जो 1090 कानून व्यवस्था चालू की गई थी महिलाओं के लिए जी, वो दिखाई तो देती है रोड पे लेकिन सुरक्षित नहीं महसूस कर पा रही है। आज भी लड़कियां कानपुर में अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस कर पा रही। जी ठीक है विकास, महिलाओं की बात भी हो गई। अभी अगर बात की जाए 2 से 3 दिन पहले की तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कानपुर पहुंचे थे जहां पर मेट्रो की सौगात कानपुर की जनता को दी गई थी, तो ऐसे में जब देखिए मेट्रो अब कानपुर को मिल चुकी है, कहीं ना कहीं विकास होता जा रहा है कानपुर में, आपराधिक घटनाएं भले ही नहीं घट रही है लेकिन विकास की जो एक चीज है वो आगे बढ़ती जा रही है, तो वहां की कानपुर की जनता अब कितनी खुश है इसको लेकर? जी आपको बता दें कि 8 तारीख को जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली हुई थी, बहुत ही विशाल रैली हुई थी, कई परियोजनाओं का इन्होंने उद्घाटन भी किया था, कई हजार करोड़ की परियोजनाओं का इन्होंने उद्घाटन किया था। जहां तक मेट्रो की अगर बात करें तो मेट्रो की सौगात कानपुर को मिल चुकी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उस पर सफर करके भी जा चुके हैं। जनता कहीं ना कहीं से इस चीज को तो मान रही है कि कानपुर में नई चीज की शुरुआत हो रही है, नई चीजें मिल रही, नई परियोजनाएं मिल रही हैं, काफी जनता संतुष्ट भी है।
राशन प्रणाली की अगर बात करें तो राशन का वितरण भी ठीक ठाक हो रहा है, लोग इसका लाभ उठा रहे हैं, जनता ये सारी चीजें मान रही है। लेकिन अगर इसका दूसरा पहलू देखते हैं तो दूसरे पहलू में ये चीज सामने आती है कि ये सारी चीजें सिर्फ चुनाव के टाइम पे ही क्यों की जाती हैं। अगर हम जनता से बात करें, तो जनता से जब बात करते हैं तो ये सारी चीजें सामने आती हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ चुनाव के टाइम पे ही क्यों होती हैं। ये चीजें होनी थी कुछ समय पहले भी हो सकती थी, परियोजनाओं का लोकार्पण पहले भी हो सकता था। ये सारी चीजें, रैलियां हुई, रैली में परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया, जनता समझ रही है, जनता जान रही है। लेकिन अब सीधे तौर पे अगर फायदा देखा जाए तो चाहे चुनावी नजदीक हो, इस पे जनता को लाभ मिल रहा हो, लेकिन जनता को कहीं ना कहीं लाभ जरूर मिल रहा है। जी ठीक है विकास, योगेंद्र एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेंद्र आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए जो पहले कह रहे थे। जी बिल्कुल, आप तो ठीक है योगेंद्र, आपकी अभी भी ऑडियो सही से नहीं आ पा रही है, दोबारा से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। विकास आप बताइए, देखिए चुनावी माहौल इस समय है, जनता कहीं ना कहीं खुश तो नजर आ रही है जिस तरह से आप बता रहे हैं, लेकिन ये सवाल भी है कि चुनाव से पहले ये सब बड़ी सौगातें क्यों दी जाती हैं, उसके बाद और उससे पहले क्यों नहीं होता है, लेकिन ये सवाल तो लाजमी है। लेकिन अगर कानपुर के सांसद की बात की जाए, विधानसभा की बात की जाए, क्षेत्रों की बात की जाए और विधायकों की बात की जाए तो वो कितना ज़्यादा एक्टिव नजर आते हैं कानपुर में, क्या जनता से बातचीत करने के लिए पहुँचते हैं, चाहे वो कोरोना काल हो या फिर कोरोना के बाद का समय हो, जनता से कितनी बातचीत करने के लिए विधायक और सांसद जी पहुंचते हैं? जी आपको बता दें कि कानपुर में 10 विधानसभा है, 10 विधानसभा में 7 विधानसभाओं के भारतीय जनता पार्टी के पास में है, 1 कांग्रेस के पास में है, 2 समाजवादी पार्टी के पास में है। ये सभी लोग, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हों, चाहे समाजवादी पार्टी के हों, चाहे कांग्रेस के हों, ये सारे विधायक और कानपुर में जो सांसद हैं, ये अपने घर में भी जनता दरबार लगाते हैं, लोगों की समस्या सुनते हैं और समस्या सुनने के बाद में उसका निदान करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर जनता के बीच में जाने की बात कही जाए तो जनता के बीच में सिर्फ ये कहीं ना कहीं, चाहे किसी भी पार्टी के विधायक हो, कोई हो, वो सिर्फ और सिर्फ केवल उद्घाटन करने में या आप मामूली से कोई छोटे मोटे काम में, इसमें जो है ज्यादा सामने नजर आते हैं। लेकिन जनता के बीच में पहुंच करके, जनता के बीच में जा करके उनकी समस्या का निराकरण करने का काम किसी भी पार्टी के नेता ने नहीं किया है। जी मतलब के वादे किए गए थे वो कहीं ना कहीं नहीं पूरे हुए हैं, जब जनता के बीच में ही नहीं गए तो समस्या ही नहीं पता चली। ठीक है, और अगर कानपुर के ग्रामीण इलाकों का बात कर ली जाए विकास, तो ग्रामीण इलाकों का क्या हाल है इस समय? जी आपको बता दें कानपुर के ग्रामीण इलाकों का, जैसे कि आपको ये बता दें कि कानपुर के पहले शहरी इलाकों, जब शहर ही नहीं सही हो पा रहा है तो ग्रामीण कहां से सही होगा। ये सारी चीजें केवल चुनाव के टाइम पे, सिर्फ चुनाव के पहले आते हैं, आके वादे करते हैं, लोगों से वोट लेते हैं, वोट लेने के बाद में फिर अपने घर जाते हैं। हाँ काम हो रहे हैं, लोगों को सौगातें मिल रही हैं, भले चाहे आप इसको ये कह लीजिए कि चुनाव के पास आने पे लोगों को सौगातें मिल रही हैं, जनता खुश हो रही है, हर प्रकार के जो वादे किए गए थे वो थोड़े बहुत अब पूरे भी किए जा रहे हैं, तो जनता खुश भी है। जी अगर इसको देखा जाए कि जनता पूरी तरीके से नाराज है तो नहीं, जनता पूरी तरीके से नाराज भी नहीं है और पूरी तरीके से जनता का अगर देखा जाए रुख तो वो खुश भी नजर नहीं आ रही। जी ठीक है विकास, जनता खुश तो नहीं है, तो यानी कि ये मान लिया जाए कि कहीं ना कहीं कानपुर की जनता आने वाले चुनाव में 50-50 नजर आएगी, कि आधे लोगों का रुख जो है वो बीजेपी की तरफ रहेगा और आधे लोगों का किसी और पार्टी की तरफ, ये मान सकते हैं हम? जी बिल्कुल, ये इसमें कहने में कोई दो राय नहीं है। जिस प्रकार से राशन प्रणाली की व्यवस्था इन्होंने शुरू करी या मेट्रो का इन्होंने शिलान्यास उद्घाटन किया, मेट्रो दिए, सौगात दी है, इसी प्रकार से कई अन्य परियोजनाओं का उद्घाटन करके कानपुर की जनता को इन्होंने सौंपा है, तो झुकाव तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ ज्यादा रहेगा।
और समाजवादी पार्टी का भी स्तर कानपुर में थोड़ा बहुत ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। कांग्रेस का भी थोड़ा बहुत जो प्रियंका गांधी ने लड़की वाला नारा दिया था, लड़की है तो लड़ेगी, इस प्रकार से लड़कियों का रुझान भी जो है प्रियंका गांधी की तरफ थोड़ा बहुत देखने को मिल रहा है। तो कानपुर में अगर देखा जाए, ओवरऑल अगर बात की जाए, तो भारतीय जनता पार्टी का पड़ला थोड़ा सा भारी नजर आता दिख रहा है। ठीक है विकास, और अगर स्कूलों की बात कर ली जाए, रोजगार की बात कर ली जाए, तो क्या रोजगार युवाओं को कानपुर में मिल रहा है? स्कूलों की सही व्यवस्था है बच्चों के लिए? जी आपको बता दें कि अगर स्कूलों की बात की जाए, शिक्षा की बात की जाए, तो अभी कुछ ही दिन पूर्व कल्याणपुर का एक प्राथमिक विद्यालय था जहां पे शिक्षक अपने छात्र छात्राओं से झाड़ू लगवा रहे थे, उनसे काम करवा रहे थे जी। ये भी एक वीडियो वायरल हुआ था, काफी न्यूज में आया भी था, ये लोगों को भी देखने को मिला था। अगर हम बात करें सरकारी शिक्षा की, तो सरकारी शिक्षा में कहीं ना कहीं लोगों को जोड़ करके, लोगों को बता करके उनके बच्चों को शिक्षा देने का प्रयास तो किया जा रहा है, लेकिन अगर बात करते हैं प्राइवेट स्कूल की, तो प्राइवेट स्कूलों में सिर्फ और सिर्फ पैसा ऐंठने का काम किया जाता है। शिक्षा तो दी जाती है लेकिन महंगे स्तर पे दी जाती है। अभी बात कर लेते हैं, कोरोना काल में विद्यालय बंद थे, सभी कॉलेज बंद थे, तो ऑनलाइन शिक्षा का शुरुआत की गई थी। ऑनलाइन शिक्षा में छात्र अपने घर में बैठ करके शिक्षा ले रहा था। अब घर में बैठ करके शिक्षा लेना और विद्यालय में जाकर के शिक्षा लेना काफी फर्क पड़ता था, जिससे बच्चों को शिक्षा तो मिल रही है लेकिन किस प्रकार की शिक्षा मिल रही है इसकी जानकारी पूरी तरीके से नहीं कही जा सकती है। अब दोबारा विद्यालय खुले हैं, अभी कोरोना फिर से पूरी तरीके से चरम पे आने वाला है, तीसरी स्टेज आने वाली है, ओमिक्रॉन आने वाला है, हो सकता है कि फिर से विद्यालय बंद कर दिए जाए। तो शिक्षा का अगर बात करें, तो ओवरऑल कानपुर की अगर बात कर देते हैं, तो कानपुर की भी शिक्षा, क्योंकि ऑनलाइन अगर बात करें तो ऑनलाइन तो शिक्षा पूरी तरीके से चल रही है, लेकिन अगर विद्यालय में जाकर के बात करते हैं, तो विद्यालय में जाकर के भी जितने दिन विद्यालय खुलेंगे उतने ही दिन शिक्षा मिल पाएगी। जी ठीक है विकास। योगेंद्र, अब आप बताइए उन्नाव में कोरोना को लेकर क्या स्थिति है, किस तरह की गाइडलाइंस है? जी बिल्कुल बिल्कुल, आपको बता दूं कि जिला प्रशासन में जो पूरी तरह से योगेंद्र आप अपना माइक थोड़ा पास रखिए अपने, फिर शायद अच्छे से आवाज आएगी, बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल, आपको बता दूं कि जिस तरह से जिला प्रशासन ने यहाँ पर स्वच्छता व्यवस्था को लेकर भी एक पूरी ऐसे में कहीं ना कहीं स्वास्थ्य को लेकर अगर बात की जाए, तो जनता में अभी तक ओमिक्रॉन की तकलीफ लेकर आ चुकी है, तो ऐसे में ठीक है। चलिए ठीक है योगेंद्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। विकास, एक बार फिर से आपका रुख करूंगी मैं। विकास देखिए, हमने कानपुर के बारे में काफ़ी चीज़ें बात कर ली हैं, शिक्षा पे बात कर ली है, महिला सुरक्षा पे बात कर ली है, रोजगार पे बात कर ली है, लेकिन अब अगर स्वास्थ्य सेवाओं की बात की जाए, तो देखिए अब से 2 महीने पहले देखा था कि जब वायरल फीवर आया था तो कानपुर में भी भारी संख्या में मरीज सामने आए थे, डेंगू के हो या तमाम और वायरस के मरीज सामने आए थे, अस्पतालों में लंबी लंबी लाइन लगी थी, बच्चे बहुत भारी संख्या में बीमार हो गए थे। लेकिन अगर अभी स्वास्थ्य सेवाओं की बात की जाए, अगर कोरोना की तीसरी लहर आती है, तो कानपुर के अस्पताल कितने तैयार हैं उसके लिए? जी आपको बता दें कि अगर स्वास्थ्य की बात की जाए, तो पहले से ज्यादा इस समय बेहतर सुविधाएं इस समय है, ऑक्सीजन प्लांट भी तैयार हो चुके हैं, सरकारी अस्पताल जितने हैं उनमें भी जो है 1000 बेड सुरक्षित कर रखे गए हैं। अगर इससे भी ज़्यादा बढ़ता है, तो प्राइवेट अस्पतालों को भी पूरी तरीके से बताया जा चुका है कि अगर आवश्यकता पड़ती है तो 50 बेड आप लोग अपने प्राइवेट अस्पतालों के लिए भी बताया जा चुका है कि 50 बेड आप प्रत्येक अस्पताल में अपने अपने कोरोना को लेकर के सुरक्षित कर सकते हैं। जैसा कि पिछला देखा गया है, तो पिछला कानपुर में काफ़ी कोरोना से, कानपुर में क्या ओवरऑल पूरे इंडिया में कोरोना से काफ़ी लोगों की मौत हुई है, कानपुर में भी हुई है,
तो कानपुर में पूरी तरीके से इस समय तैयार है। अगर तीसरी लहर आती है तो सारे अस्पताल तैयार हैं। कानपुर का अगर सरकारी अस्पतालों की बात की जाए तो पहले से काफी बेहतर स्थिति में स्वास्थ्य को लेकर के काफी अच्छा सुधार है देखने को मिल रहा है। जी चलिए ठीक है विकास, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे से आपने सारी चीजें बताई कानपुर के बारे में। तो ऐसे में आज जो रिपोर्टर लाइव में हमने कानपुर और उन्नाव दोनों ही जगह से जानकारी जुटाने की कोशिश की थी। कानपुर से तो बहुत सारी जानकारियां मिल गई हैं कि कोरोना को लेकर किस तरह की स्थिति है, रोजगार को लेकर क्या स्थिति बनी हुई है, शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सब जानने की कोशिश की। उन्नाव से हालांकि नहीं ज्यादा जानकारी जुटा पाए, लेकिन कल फिर मुलाकात होगी किसी और रिपोर्टर्स के साथ, किसी और क्षेत्र का हाल जानेंगे, किस तरह का माहौल किस क्षेत्र में है ये जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।